हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत। आरआरबी पीओ प्री 2021 आज 1 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम भी और हो चुकी है। एग्जाम मोर और लेस से जैसा पहला शिफ्ट था वैसा ही है। पहले शिफ्ट में क्वांट ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, अब की बार है क्वांट आई थिंक फर्स्ट के बजाय थोड़ी सी आसान, रीजनिंग पहले के बजाय मॉडरेट, राइट। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मोर और लेस देख रहे हैं तो उतने ही अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एबीसी अलोन कैन फिल ए टैंक इन 12, 4 एंड 18 आवर्स। तो इसमें अपने क्या करते हैं, सबसे पहले आपने ये देख लिया कि ए 12 घंटे में, बी 4 घंटे में, सी 8 घंटे में। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 96 यूनिट आप टोटल वर्क ले सकते हैं। ये 8 यूनिट कर रहा है, ये 24 यूनिट पर आवर कर रहा है, ये 12 यूनिट कर रहा है, राइट। अब वो कह रहे हैं ऑल आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड आफ्टर 1 आवर पाइप सी खुल, एक घंटे सभी खुले रहे, तो 24 + 8 = 32 और 2 = 34 = 44। तो 44 यूनिट वर्क हो गया, तो कितना बचा, 52 यूनिट बचा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सी को क्लोज कर दिया, तो उसके बाद ए और बी दो रहे, 32, या मैं कहूँ कितने आ गए भाई, 32, इसको अगर 4 से करोगे तो 13 × 54 = 13/8। तो आपसे पूछा कि टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी टू फिल द बैलेंस टैंक, तो ये 13/8 आवर या जिस भी फॉर्म में आपको 1 सही, 5/8 भी हो सकता है। मिनट्स में अगर देखें तो 5/8 को आप 60 से मल्टीप्लाई करके और आप इसकी 300/8 मिनट भी निकाल सकते हैं, राइट। तो जिस भी फॉर्म में ये दिया हुआ था, कुछ से रोंग नंबर सीरीज आई, पहले एज अ शिफ्ट में मिसिंग थी, अब रोंग है, रोंग डेफिनेटली एक स्टेप अप हो गए, थोड़ा टाइम उसमें लगता ही लगता है। पहली जैसे सीरीज आप ही में से किसी ने भेजी है, 156, 448, 300, 372, 336, 34, आपको बिगनिंग में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप आगे देखेंगे तो देखते ही लग रहा है यार है तो डिफरेंस भाई। 354 और 45 ये -9 का हुआ, 36 और 54 ये +18 का हुआ, 72 और 36 अगर आप देखोगे यहाँ -36 हुआ। तो यहाँ देखिए 9 से 18, 18 से 36, तो और ये अगला 72 हो रहा, ये +72, तो इससे अगला क्या होगा, -144, और उससे अगला होगा प्लस का 288। तो 28 और 15 कितना हो गया, 43, 430 और 14, 400, तो 448 आपका रॉन्ग यहां दिख गया। एक सीरीज पूछी गई 20, 164, 333, 529, 758, 1010, 10 और 1290। अब इस सीरीज को भी देखते ही आपको ये लगेगा कि यार कुछ ना कुछ निकल के किस में आएगा भाई। इस सीरीज में भी आप देखोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस में ही निकलेगा, डिफरेंस में ही निकलेगा, क्योंकि जो घटना बढ़ना बढ़ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है, बट कोई पैटर्न बढ़ने का नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ आप देखो 20 और 164, 144 होते ही क्लिक करना चाहिए कि यार ये तो 12 का स्क्वायर है, अगला क्या है, क्या 13 का है। अगर मैं 169 यहाँ देखूँ तो 16, 16, 32, 320 और 13, 333, बिल्कुल 13 का स्क्वायर, तो अगला क्या 196 है। तो अगर ये भी देखेंगे 29, 4, 33 बिल्कुल है, तो ये 12 का, 13 का, 14 का, तो अगला होगा 225। 225 नहीं हो रहा है तो इसको आप टिक कर सकते हैं, आगे वाला एक और आप देख सकते हैं, या फिर जो गिवन है वो देख लें। ये 15 का है, ये 17, देखिए 12, 13, 14, 15, तो ऑब्वियस है ये 16, 256 और ये 17, 289 और राइट। तो 217 का स्क्वायर 289, ये भी आई थिंक कुछ मेरे से लिखने में हो सकता है, टाइपिंग में हो। अगर मैं यहाँ 225 देखूँ तो क्या निकल के आया भाई, 52 और 22, 740 740 और 14 754 754, और यहाँ आप देखोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 15 का था, ये 16 का स्क्वायर 256 256, और इनको अगर मैं जोड़ूंगा 256 को और इनको जोड़ूंगा तो 1010, बिल्कुल 16 का स्क्वायर आ रहा है, ये 15 का नहीं था, 17 का 289, तो 89 और 10 99, ये हो सकता है मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ 1299 रहा हो या ये 754 गिवन रहा हो, बट ये इस तरह से आपके स्क्वायर्स का डिफरेंस था। एक के सीरीज और है, जैसे 9 है, 58 है, 42 है, 91 है, 75
125। अब इस सीरीज को भी देखते ही आपको ये तो लगेगा कि यार कुछ ना कुछ निकलेगा तो डिफरेंस में, भाई 79 और 58 यहाँ प्लस 49 हो रहा, 58 और 40 ये माइनस का 16 हो रहा है। बाव यहाँ फिर मैं देखूँ तो 50 जोड़ता हूँ तो बाढ़ में होता है, तो इसका मतलब ये फिर 49 हो रहा, और ये यहाँ वापिस देखूँ 75 और 20 95 तो ये माइनस का 16 हो रहा, तो ओबियस है लॉस ही होगी, क्योंकि इसमें अगर आप 49 वापिस जोड़ेंगे तो 75 और 50 ये तो 50 हो रहा है, तो 125 रॉन्ग आ गई। ये भी आसान थी, आई थिंक इसमें भी कोई मुश्किल नहीं थी। एक सीरीज और आई है 1, 4, 13, 49, 229, 1308, 8864। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा कुछ बच्चों के डेफिनेटली कि यार कहीं ये मल्टीपल की तो नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें देखेंगे तो मल्टीपल में कुछ पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा, मल्टीपल का पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ इस सीरीज ने टाइम जरूर वेस्ट किया होगा। अगर आप डिफरेंस में देखेंगे, ये 3 का डिफरेंस है, ये 9 का डिफरेंस है, और ये 36 का है। यहाँ आप देखेंगे 49 और 29 तो ये 180 का है। यहाँ पैटर्न देखिए, 3 × 3 3 times हुआ, ये 4 times हुआ, ये 5 times हुआ, तो ओबियस है यहाँ 6 times कितना हो गया 1080। तो क्या ये 1080 है? लेकिन आसपास जरूर है भाई, 1000 में आप 229 जोड़ोगे तो 1309 आ रहा है 1308 की जगह, तो इसको आप टिक कर दीजिए। अगला डिजिट हो सकता है सही हो या थोड़ा बहुत कहीं टाइपिंग में मिस्टेक भी हो सकती है, बताने वाले से भी गलती हो सकती है, लेकिन ये 7 रहा होगा और उसके आसपास ये आ भी रहा है भाई। अगर आप 8800 में से 13 निकालोगे तो 75 और 3 78 7500 तो एक आ गए, और 7555 आई थिंक यही हुआ या कुछ और हुआ, 75 भाई 1309 64 में से 4 तो एक 7555 हो रहा है, तो यहाँ हो सकता है थोड़ा मेरे से कोई जो जिन्होंने मुझे बताया है उनसे कोई गलती हुआ हो, बट ये इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है 3, 4, 5, 6, और इसको जैसे ही 6 को 7 करोगे तो 1080 का कितना हो जाएगा भाई 7000 तो एक हो गया, और 560 आ रहा है ये 7560, तो ये अगर मे भी हो सकता है 1309 रहा हो तो ये गलत हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों में से कोई एक गलत था और ये इसमें पैटर्न था। तो ये 4 सीरीज आप में से किसी ने भेजी तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आगे आने वाली शिफ्टों में जिनके भी एग्जाम है बिल्कुल कूल रह के अपना बेस्ट दे के आइए, और ये टेंशन मत लीजिए कि मेरे कितने अटेम्प्ट हुए। पैटर्न इसमें भी मोर और लेस वैसा ही था, वही क्वांट का अगर मैं बताऊं तो 2 कन्वेंशनल डीआई दोनों डुएबल थी, 1 कैसलेट थी, कैसलेट भी फर्स्ट की बजाय इसमें डुएबल थी, राइट। और उसके अलावा जो वही आपके स्पीड मैथ का पार्ट 10 से 11 क्वेश्चन रिमेनिंग मिसलेनिया 7 मिनट। चलिए सेशन से जो भी बच्चे जुड़े उसके लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।